नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवे ने आपकी बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया। इंडियन रेलवे ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। इस नई वेबसाइट में आपको ये पता चलता है कि अगर आपकी कोई टिकट वेटिंग में चल रही है तो वेटिंग में उसकी कंफर्मेशन होने की संभावना क्या है। यानी कोई मान लीजिए, पहले क्या होता था कि आप टिकट जब करते थे तो तुरंत आता था कि वेटिंग 30 है, वेटिंग 40 है, तो आप एक असमंजस में पड़ जाते थे कि इस टिकट को आप कंफर्म करें कि नहीं करें, बुक करें कि नहीं करें, ये कंफर्म होगी कि नहीं। फिर आप 10 लोगों से पूछते थे, फिर कोई अपनी राय देता था कि ये कन्फर्म होगी नहीं होगी। अब ये जो राय वाला काम है, ये भी इंडियन रेलवे ने आपके लिए सॉल्व कर दिया। तो कैसे ये काम करता है, क्या होता है, आइए मैं बताता हूँ दोस्तों। तो करना क्या है आपको, पहले जो इंडियन रेलवे की पुरानी वेबसाइट है उसी पे जाना है, irctc.co.in। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो एक नया ऊपर को लाल रंग में एक नया दिखाई देगा जिस पर ट्राई न्यू वर्जन ऑफ वेबसाइट। ये रेलवे ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नई वेबसाइट पर ले जाएगा। नई वेबसाइट खुलने में थोड़ा टाइम लेता है, अभी वो कुछ सेकेंड्स लेगा, तो जब तक है तो आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये पता लग जाता है कि आपके टिकट कंफर्म होने की संभावना क्या होती है। आइए देखते हैं, हम इंतज़ार करते हैं नई वेबसाइट का। देखिए ये नई वेबसाइट आ गई, खुल गई। तो जैसे ही नई वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर जैसे एक बहुत बड़ा बदलाव, एक तो ये है कि पहले आपको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता था, उसके बाद ही आप अंदर जाके टिकट का स्टेटस की अवेलेबल है नहीं है, क्या है, ये सब चेक करते थे। अब पुरानी वेबसाइट में ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फॉर्म में, बार बार ऐड आ जा रहा है, फॉर्म में डालेंगे। मान लीजिए आप जा रहे हैं उदयपुर से आप जा रहे हैं नई दिल्ली। मान लीजिए आप डेट है, आप जा रहे हैं 7 जून आपकी डेट है, ठीक। अब यहाँ पे हम फाइन ट्रेन्स करते हैं, ऑल क्लासेस, अब देख सकते हैं। तो एक सबसे अच्छी बात तो क्या है, यहाँ पे आपको बिना लॉगिन करे ही, मान लीजिए मैं थर्ड एसी में देख रहा हूँ, ये ट्रेन है थर्ड एसी में मैं देख रहा हूँ, मेवाड़ एक्सप्रेस में। तो यहाँ पर ये पूरी अवेलेबिलिटी दिखा देता है कि 7, 8, 9, 10, पहले बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड के आप ये बिना लॉगिन करे आईआरसीटी की वेबसाइट में बाहर से नहीं जान सकते थे ये चीज़। अब मान लीजिए मैं 8 को जाना चाहता हूँ, 8 को मेरी चल रही वेटिंग 19 और 5, तो 19 और 5 मेरी वेटिंग चल रही है, मतलब अभी 5 नंबर है। अब मुझे 8 को बुक करनी है टिकट, लेकिन अब वेटिंग देख के कई बार हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि इस टिकट को कन्फर्म किया जाए या ना किया जाए। तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपके पास आ चुका है, कंफर्म प्रोबेबिलिटी। तो ये बता देगी कि ये टिकट के बुक होने के चांसेस कितने हैं। चलिए क्लिक करते हैं कंफर्म प्रोबेबिलिटी पे। तो ये आप जब चेक करेंगे तो आपको आईआरसीटी का यूजर नेम मांगेगा, तो आप यहाँ पे अपना यूजर नेम डालिए और अपना पासवर्ड डालिए। और कैप्चा आप डालेंगे, साइन इन हम करेंगे, तो जैसे ही हम देखते हैं कंफर्म प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लिक करते हैं आप, तो ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे 97% कंफर्म प्रोबेबिलिटी, यानी आप जा सकते हैं इस टिकट को बुक, 97% चांसेस है कि आपकी टिकट कंफर्म हो। अब ये चीज़ें कैसे रेलवे बता रहा है, रेलवे ये आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये बता रहा है कि पिछले साल ठीक इसी टाइम पे 10-11 जून तक 33 वेटिंग थी, वो भी 2 जून को कंफर्म हो गई थी। 7 जून को 25 वेटिंग थी, वो कंफर्म हो गई थी 8 जून को, मतलब 9 जून को इतनी कंफर्म वेटिंग थी, ये कंफर्म, मतलब 1 जून से लेके 10 जून के 12-14 जून के बीच में जितनी भी वेटिंग थी, 45 तक वेटिंग चल रही थी, वो कंफर्म हो गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कितनी कितनी वेटिंग सारी कंफर्म हो सकती। तो इस क्योंकि रेलवे के पास तो सारा डेटा है, आईआरसीटीसी के पास डेटा है कि पिछले साल क्या हुआ था, तो उसके आधार पर ये एक आपको ट्रेंड दे देता है कि हो सकता है इस साल भी आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी। तो एक
खाली ट्रेंड है, 100% तो इसको नहीं मान सकते, पर हाँ अच्छे चांसेस हैं कि अगर यहाँ पर 90% बता रहा है तो आपकी टिकट बुक हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, ये कल ही रेलवे ने लॉन्च किया हुआ है, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, और आपकी कोई राय हो, फीडबैक हो, तो वीडियो के सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।